हम लोग गरीब आदमी हैं, कम रोज कमाने रोज खाने वाले आदमी हैं। हम लोग के पास कोई जमा पूंजी होता नहीं है। हम लोग सबसे पहले कोई काम कर्ज लेके कर लेते हैं और फिर उसी को सालों भर भरने में लगा देते हैं, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट में मैं सोचा कि दिलवा दूँ, लेकिन वहाँ पे पूरे पैसे मांग रहे थे, 1.25 लाख, 1.5 से 1.25 लाख के बीच था सभी इंस्टीट्यूटों का, एक ही बार में। उतने पैसे थे नहीं मेरे पास। मैं जहाँ भी जाता था तो जो इतने भी पढ़े लिखे लोग मिलते थे उनसे एक ही प्रश्न पूछता था कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, क्योंकि जानकारी था नहीं कि डॉक्टर कैसे कैसे बनना जाता है, क्योंकि कोई हमारे घर में, परिवार में, समाज में, आसपास में भी डॉक्टर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो मेरा सिलेक्शन तो पक्का ही था, तो एकदम से सब टूट सा गया कि अब सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं नूतन शर्मा, दीप्रिंट में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों सड़क से लेकर संसद तक नीट यूजी में के रिजल्ट में जो गड़बड़ियां हुई उनकी चर्चा है। लोग जो नीट एस्पिरेंट्स के जो माता पिता हैं और खुद नीट एस्पिरेंट्स जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद में विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, लेकिन इस बीच जो नीट एस्पिरेंट्स हैं और उनके जो माता पिता हैं वो बहुत ही एंग्जाइटी में है, टेंशन में है। ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ समृद्ध परिवारों के नहीं, लेकिन गरीब परिवारों के जो है बच्चे हैं वो भी देते हैं। आज हम आप तक एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दीप्रिंट में। जी धन्यवाद। आप बताइए कि आपने किस तरीके से अपनी बच्ची को कर्ज लेकर बड़ी मुश्किलों से एक एक पाई जोड़कर किस तरीके से कोचिंग दिलवाई और तैयारी कराई। मैडम, मैं जिस जगह से आता हूँ, बिहार में रोहतास जिला तिलौथू चितौली गांव का रहने वाला हूँ, वो गांव बहुत सुदूर में है, पीछे पड़ा हुआ है। वहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है कि बच्चे, मैंने वहाँ तो लड़कियाँ को तो दूर, लड़कों को भी लोग नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा सपना था गांव में, इतना सारा वहाँ पे, मतलब लोग मर भी जाते हैं वहाँ पे, आसपास में कोई डॉक्टर नहीं है, 20-30 किलोमीटर से पहले कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, तो लोग मर भी जाते हैं रास्ते में, तब भी कोई पूछने वाला नहीं है। समाज पीछे है, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, बहुत पीछे इलाका है, वो पिछड़ा इलाका है। तो हम लोगों ने बचपन से ही सोचा था कि बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसीलिए मैं दिल्ली निकल गया और दिल्ली में कमाने खाने लग गया। दिल्ली में आकर आपने किस चीज़ की नौकरी की सबसे पहले? मैं नौकरी नहीं किया, मैं मजदूरी किया हर समय, कंस्ट्रक्शन के काम में, अपना घर बनाना हो, चिनाई का काम है, इसमें हमारा काम चलता रहा। और मेन मकसद रहा बच्चे को पढ़ाना है, घूम फिर के बच्चे को पढ़ाई के लेके ही हम दिल्ली में आए थे। सोच तो हमने पहले ही से रखा था कि बेटी को डॉक्टर ही बनाना है, क्योंकि जब बेटी मेरी एक दिन की थी और बुखार लगा था तो मैं जिस डॉक्टर के पास ले गया था, वो लेडीज डॉक्टर नहीं थी, तो उन्होंने नाम पूछा कि आपकी बेटी का क्या नाम है। हमने बोला इसका नाम तो अभी रखे नहीं, अभी तो आज ही जन्म हुआ है, नाम कैसे रखे। तो उन्होंने बोला मैं इसका नाम रख रही हूँ प्रिया। और मैं बोला बेटी को भी डॉक्टर बनाना है मैडम। बोली कि निश्चित डॉक्टर बनेगी ये। और उसी दिन से हम लग गए इस काम में। तो बाद में हमने बच्चे का नाम रखा कनक और प्रिया, तो दोनों मिला के कनक प्रिया नाम है मेरी बेटी का। मैं जहाँ भी जाता था तो जो इतने भी पढ़े लिखे लोग मिलते थे उनसे एक ही प्रश्न पूछता था कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, क्योंकि जानकारी था नहीं कि डॉक्टर कैसे कैसे बनना जाता है, क्योंकि कोई हमारे घर में, परिवार में, समाज में, आसपास में भी डॉक्टर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो कौन बताएगा, बताने वाला भी नहीं है। तो मैं डॉक्टर के पास ही जाता था, डायरेक्ट जाफरपुर हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर से यही बोला कि डॉक्टर साहब मैं इलाज कराने आपके पास नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है, और कैसे बना जाता है डॉक्टर, बस मुझे वो रास्ता बताइए। तो डॉक्टर ने बोला कि पहले बेटी 10th पास कर लेगी तो उसको 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट लेना जरूरी है। काफी मशक्कत करने के बाद वीरेंद्र वर्मा ने अपनी सीमित समझ और संसाधनों के साथ बेटी को डॉक्टर बनने की तैयारी करने के काबिल बनाया। इसके लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। जब 12वीं कर ली बेटी ने तो सबसे बड़ा चैलेंज जो फीस कोचिंग दिलवाने का और फीस भरने का, उसके लिए पैसे इकट्ठा करने का, वो कैसे आपने उस लड़ाई को जीता, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? मुझे ये पता चला कि बिना बच्चे को कोचिंग दिलाए नीट में
सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इतने लाखों बच्चों तैयारी करते हैं। तो कोचिंग होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, तब मैं आकाश इंस्टीट्यूट में गया और अन्य और भी इंस्टीट्यूटों में गया, तो वहाँ पर लगभग 1.5 से 1.75 लाख रुपये तक का फीस था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं इतना पैसा उनको दे सकूँ। तो आकाश इंस्टीट्यूट में मैं गया तो वहाँ पे फाइनेंसर लोग बैठे रहते हैं, उन्होंने बोला कि हम आपको फाइनेंस कर देंगे और आप इंस्टॉलमेंट के रूप में साल भर में मुझे EMI करके धीरे धीरे दे देना। तो मैं वैसे ही करवाया, 1.5 लाख रुपए में वहाँ एडमिशन करवाया और फाइनेंस हमने करवा दिया और पर मंथ हमने उसको पैसा धीरे धीरे करके दे दिया। पहली बार ऐसे हुआ, लेकिन बच्चे के मार्क्स कम आए, सिलेक्शन नहीं हो पाया। 536 मार्क्स आया पहली बार में। इसके बाद दूसरी बार फिर हम कोचिंग दिलाने गए तो फिर वहाँ वही हाल हुआ, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट में मैं सोचा कि दिलवा दूँ, लेकिन वहाँ पे पूरे पैसे मांग रहे थे, 1.75 लाख, 1.5 से 1.75 लाख के बीच था सभी इंस्टीट्यूटों का एक ही बार में। उतने पैसे थे नहीं मेरे पास, फिर मैं घूम फिर के आकाश में ही आया और वहाँ पर फाइनेंसर बैठे थे और दूसरे इंस्टीट्यूटों में नहीं रहते थे। तो फिर हमने वही रास्ता चुना, फिर एग्ज़ाम दी, लेकिन उस बार 560 मार्क्स आए तो नहीं हुआ। फिर अभी वर्तमान की बात करूं तो आपने बताया कि कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपने 2 साल के अंदर अपनी बेटी की फीस, आने जाने का खर्चा हो, स्टेशनरी का खर्चा हो, उस पर लगाया। क्या जमा पूंजी आपकी, अभी वर्तमान में पूछूं तो क्या आप पढ़ाई, दोनों बच्चों को पढ़ाने के बाद क्या आपकी जमा पूंजी है? हम लोग गरीब आदमी हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले आदमी हैं, हम लोग के पास कोई जमा पूंजी होता नहीं है। हम लोग सबसे पहले कोई काम कर्ज लेके कर लेते हैं और फिर उसी को सालों भर भरने में लगा देते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से किए, बैंक से हमने बताया 2 बार जो कोचिंग दिलाया, जो 4-5 लाख रुपए लगे, वो सब महीने महीने कमा के सब उसी में देते गए और पैसे हम लोग के पास एक भी रुपया नहीं है। नहीं तो बताया, जो आपकी पत्नी के जो जेवर भी थे वो भी घर उसको बेच के तो मकान बनाए हैं, और मकान भी जैसा कि हम देख रहे हैं पूरा बन नहीं पाया, अभी बीच में ही आपने रोक दिया मकान भी। बच्चों को पढ़ाना भी है हम लोग को, तो बच्चों को पढ़ाई जरूरी है ना, घर तो फिर बन जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो मकान बेचा भी जा सकता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाना है, यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेके हम चले हैं, इसीलिए इतना। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि लाइन चेंज करा दीजिए, अब दूसरा चीज़ दिला दीजिए, पार्शियल ड्रॉप दिला दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। बेटी भी मेरी बहुत परिश्रमी है, वो भी काम पढ़ाई करती है, उसमें टैलेंट भी है, अच्छा है, लेकिन चलिए सरकार के मात्र फेलुअर के वजह से, सिस्टम फेलुअर के वजह से ये दिक्कत आया, नहीं तो इस बार हो जाता। 631 मार्क्स पे कहीं ना कहीं हम लोग को GMC मिल जाता ऑल इंडिया कोटा के तहत, परंतु अब तो इस तरीके से अव्यवस्थाएँ हो गई, अब दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप बता रहे थे कि आपकी बेटी ने भी आपको पेपर लीक का बताया, लेकिन आपको भरोसा नहीं हुआ पहली बार? हाँ, बच्चे से बताए कि टेलीग्राम पे आ रहा है कि पेपर बिक रहा है, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हुआ और हम लोग लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे करियर खराब करे बच्चे का, बाद में अगर पकड़ में आ भी जाता है तो हमारे बच्चे का करियर खराब होगा। और बच्चा 4 साल में इतना कठिन परिश्रम किया है, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कैसे भी पूछिए, सब बना देता है, इतना बच्चा में टैलेंट है, आ गया है, तो हम फिर क्यों इधर उधर करें। लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने ऐसा किया और नंबर ज़्यादा ला लिए और आज वो गलत तरीके से MBBS बनने वाले हैं, और जो योग्य बच्चे थे जिनको बनना चाहिए था उनको हटा दिया जा रहा है। तो आप बता रहे 25-25 हज़ार में जो है पेपर मिल रहा था, पहले 25 हज़ार का आया था मैसेज, बाद में फिर पेपर से एक दिन पहले सुबह में 5 हज़ार हो गया कि 5 हज़ार में नीट के पेपर मिल रहे हैं, फिर शाम होते होते 23/4 को शाम को आया कि अब 1500 रुपया में नीट का पेपर मिल रहा है, जिसको लेना है ले लो। हम लोगों ने तो लिया नहीं, लेकिन और सब लिए होंगे, जो लिए होंगे वो जानेंगे, हम नहीं जानते। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मुद्दे में क्या हुआ है? इसमें सरकार की मिलीभगत है, हमको लगता नहीं है, सीधे दिख रहा है और सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि इसमें सरकार का सीधा डायरेक्ट हाथ है, इनडायरेक्ट नहीं है। सरकार इलेक्शन में इतने सारे पैसे जो खर्च कर रही है, उसका पैसा हो सकता है, संभावना है, यहीं से ऐसे ही लोगों से आ रहा है, क्योंकि NTA को बार बार दे रहा है और बार बार NTA के ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे हैं, इसके बावजूद NTA से ही क्यों एग्ज़ाम करवाया जा रहा है? बड़े बड़े नेताओं का हाथ पाएगा इसमें, जांच होगा अगर ईमानदारी से तो निश्चित लोग पकड़े जाएंगे। अब आपका फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं, क्या आपका प्लान है कि अब कैसे, क्योंकि आपका तो निर्णय एकदम वो है कि आपको बेटी को डॉक्टर बनाना ही है। डॉक्टर बनाना ही है हमारे इरादा को,
हमें परेशान किया जा सकता है, सरकार यहाँ की जो सिस्टम है हमें परेशान कर सकती है, लेकिन मेरे इरादों को नहीं कोई हरा सकता है। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंडिया में नहीं बनेगी तो दुनिया के और सारे देश हैं वहाँ बनेगी। मेरा ये मकान है, 15 लाख रुपए इसके मिल जाएंगे, मैं इस मकान को बेच के विदेश बच्चे को पढ़ाऊँगा और बच्चा वहीं शिफ्ट हो जाएगा। फिर ऐसे तंत्र में आके इस देश में जहाँ इतनी विसंगतियाँ हैं, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर क्यों बच्चा फिर आएगा? डॉक्टर जब बनेगा तो वहीं सेटल हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। मेरी बेटी खुद ये बोलती है, बात बच्चे को सुनता हूँ तो बहुत हैरान होता है हूँ मैं कि मैं अपने देश पर कैसे गर्व कर सकता हूँ जब इस देश में इतनी सारी नाकामियाँ हैं सिर्फ राजनेताओं की वजह से और सिस्टम की वजह से, बच्चों में कोई कमी नहीं है। वीरेंद्र वर्मा और उनकी बेटी कनक प्रिया का दृढ़ निश्चय है कि बनना तो डॉक्टर ही है। 4 साल की कठिन तैयारी के बाद 631 अंक प्राप्त करने के बाद भी उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाएगा। जब उन्होंने पहली बार अपने मार्क्स और रैंक देखे तो उन्हें लगा कि इसमें कोई त्रुटि है। एकदम शॉक्ड हो गए और पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। लग रहा था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। मुझे लगा जैसे मेरा ही रिजल्ट खराब हो गया और किसी का, शायद सबका सही आया हो, क्योंकि पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे रिजल्ट में कुछ गड़बड़ दिखा रहा था पिछली बार भी, तो इस साल भी मुझे लगा वही है। लेकिन फिर और लोगों से बात की, फिर और पता चला, तो पता चला कि इन्फ्लेशन ही इतना ज़्यादा हुआ है। तो जहाँ हम लोग पहले एक दिन पहले कॉलेज चुन रहे थे, अब यहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि ये इस बार मैंने अपना बेस्ट दिया था और पूरा चांस था, क्योंकि लास्ट पूरा चांस था कि हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 610 पे। तो इस साल अगर सब, क्योंकि जितने भी लोग प्रेडिक्ट करते हैं सब बोल रहे थे कि 5 नंबर बढ़ेगा या 10 नंबर ज़्यादा चली जाएगी, तो अगर 10 नंबर ज़्यादा भी जाती तो कट ऑफ फिर भी सिलेक्शन 620 नंबर पे होना था और मेरे 631 नंबर है जो कि कट ऑफ से बहुत आगे है, तो मेरा सिलेक्शन तो पक्का ही था। तो एकदम से सब टूट सा गया कि अब सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे कुछ अब करने लायक बचा नहीं है, क्योंकि क्या पता मैं और कहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल बेस्ट अटेम्प्ट था, मैं जितना कर सकती थी मैंने पूरा बेस्ट दिया। ऐसा मेरा एक भी दिन कहीं पार्टी वार्टी के लिए नहीं गई हूँ, कहीं मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, तो ये मेरा बेस्ट था एकदम, और मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती। तो अब क्या पता मैं और कहीं कुछ और भी एग्ज़ाम दूँ तो उसमें हो या ना हो, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, अब कोई होप भी नहीं बची है, ऐसा लग रहा है। वीरेंद्र वर्मा जैसे लाखों अभिभावक सिस्टम के फेलियर का शिकार हैं, उदास हैं और हताश हैं। कनक प्रिया जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत कर अच्छा स्कोर हासिल किया, अभी भी उम्मीद और आशाओं की नज़रों से सिस्टम को देख रहे हैं कि शायद एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 8 जुलाई को इन लाखों बच्चों की किस्मत का फैसला होना है। नई दिल्ली से दिप्रिंट की नूतन शर्मा की रिपोर्ट।